बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कैपिस्टोटर्स। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन सैंडविच, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हम ऑयल ले लेंगे और इसका सारा मेजरमेंट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जीरा। फ्लेम को लो रखना है। उसके बाद हम डाल देंगे कड़ी पत्ता। उसके बाद हम अनियन ऐड कर देंगे। ऑनियन ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका कच्चापन दूर होने तक इसको कुक करना है और बीच में हिलाते रहना है। और थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर देंगे जिससे ये जल्दी से कुक हो जाए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसका कच्चापन दूर हो चुका है और ये पिंकिश कलर में ट्रांसफ़र हो चुके हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। तो इसमें हम ऐड करेंगे टोमेटो। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे तीखी हरी मिर्च का पेस्ट। फिर हम डालेंगे हल्दी। धनिया पाउडर, अब हम ऐड करेंगे सोया सॉस। मैं यहाँ पर मिंग्स मैजिक का यूज़ कर रही हूँ। और अगर आपको टोमेटो केचप पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं।
अब हम इसमें डाल देंगे रेशम लाल मिर्च यानी कि कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कलर भी अच्छा है। ऑल टाइम फेवरेट बादशाह का रजवाड़ी गरम मसाला, इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, तो मैं यहाँ पर ये यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई दूसरी कंपनी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हाँ, मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ कि जो हम ये सैंडविच का मसाला बना रहे हैं, ये इसकी क्वांटिटी 100 सैंडविचेस की है, मतलब ये मसाले से 100 सैंडविचेस बनेंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि मेयोनीज डालने के बाद लास्ट में जब हम ऐड करेंगे तो इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, तो अगर आपको कलर ज़्यादा अच्छा चाहिए तो आप कलर ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट, फिर हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी। मैं यहाँ पर हाथी कंपनी की कसूरी मेथी यूज़ कर रही हूँ, तो इसको भी थोड़ा सा हाथ से क्रश करके डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे फुदीना यानी कि मिंट लीव्स। आप सोच रहे होंगे कि ये क्वांटिटी तो इतनी ज़्यादा है, लेकिन फुदीना इतना कम क्यों? क्योंकि हमें मार्केट से ज़्यादा नहीं मिला था मिंट लीव्स, इसलिए हमने कम डाला है। जितना मिला उतना डाल दिया हमने। अब हम ऐड करेंगे ग्रीन ऑनियन लीव्स। ऑनियन लीव्स को वॉश करके चॉप कर लेंगे और फिर इसको ऐड कर देंगे। अब हम ऐड करेंगे कैबेज। कितना यमी लग रहा है ना। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कैबेज डाल देंगे। कैबेज हमने पहले भी डाली थी, लेकिन अगर हम सारी एक साथ डाल देते तो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता, इसलिए हाफ हाफ हमने डाली है। अब हम इसमें श्रेडेड चिकन डाल देंगे। अगर आपको चिकन सैंडविच नहीं बनानी है तो आप वेजिटेबल वाली सैंडविच भी बना सकते हैं, जैसे कि कैबेज ज़्यादा डालिए और कैप्सिकम, कैरेट, ये सारी चीज़ें डालकर भी आप सैंडविच बना सकते हैं चिकन अवॉइड करके। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम जो बची हुई श्रेडेड चिकन है वो भी डाल देंगे। चिकन को हमने बॉईल करने में ग्रीन चिली पेस्ट,
जो हमने इसमें डाली है वही ग्रीन चिली पेस्ट हमने डाली थी, अदरक लहसुन की पेस्ट भी डाली थी, नमक और पानी डाल के इसको बॉईल कर लिया, फिर इसको श्रेड कर दिया और इसमें ऐड कर दिया। बस ये अब बनने की तैयारी में है। आपको प्रिपरेशंस यानी कि सारी चीज़ें चॉप करने में और पूरा पैकेजिंग तक आपको 3 आवर्स लगेंगे। ये 100 पैकेट्स बना रहे हैं हम, तो हमें भी 3 आवर्स लगे हैं। इसको टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर कुछ कमियां ज़्यादा हो तो ऐड कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे कोरिएंडर लीव्स, इसको भी हमने चॉप कर लिया है, इसको ऐड कर देंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये रेडी हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे मेयोनीज। स्टोव को ऑफ कर देंगे। मैं यहाँ पर एलिमो की मेयोनीज डाल रही हूँ, ये अफ्रीकन मेयोनीज है, इसको डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेयोनीज ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें। जैसे कि पहले मैंने कहा था कि कलर डल हो जाएगा, हमने कलर यहाँ पर नहीं डाला है, तो आप देख सकते हैं कलर थोड़ा सा लाइट हो चुका है। तो चलिए मैं आपको 2 पाव के अंदर डालकर बता देती हूँ। इसको पहले कट करेंगे। इस तरह से हमने कट कर लिया है और अब हम इसमें फिलिंग करेंगे। आप चाहे तो मसाले में मेयोनीज ना डालकर पाव में भी मेयोनीज डाल सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं जैसे हम ब्रेड में बटर स्प्रेड करते हैं। और 1 पाव में हमने 1.5 से 2 चम्मच मसाला डाला है, इसको बंद कर देंगे। दूसरे में भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो अब हम इसमें फिलिंग कर ली है। तो ये बनकर रेडी हो चुके हैं, इसको पैक कर लेंगे। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो मसाला है उसे 100 पैकेजेस बनेंगे, तो इसी तरह से हमने 100 पैकेट्स बना लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलती हूँ आप सबको एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। और हाँ, ये रेसिपी ट्राई करना मत भूलना।
अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।